technique. Hello everyone, please join my live. Hello everyone, myself Seema Brijesh Mishra. Thank you so much Amol for giving me a chance. मुझे मैं थैंक यू करना चाहूंगी अमोल की सारी टीम को जिन्होंने हमें फिर से एक बार अमोल फेसबुक पर आकर लाइव करने का मौका दिया और आप सब लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करने का मौका दिया. तो फ्रेंड्स आज बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बनाऊंगी. आज मैं एक डिजर्ट की रेसिपी लेके आई हूँ. आज मैं बनाऊंगी मैंगो क्रीमी डिजर्ट. तो चलिए सबसे पहले इन्ग्रीडियंट्स दिखा देते हैं फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर सब इसमें मेरा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है अमूल का मिल्क. तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर अमूल का मिल्क लिया था जिसे हमने बॉयल कर लिया है. और हम यहाँ पर यूज करेंगे कस्टर्ड पाउडर और हम यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट यूज करेंगे और गार्निश के लिए हम यहाँ पर मैंगो यूज करेंगे. और यहाँ पर हमने 1/2 कप के राउंड चीनी लिया है और ये मिल्क लिया और यहाँ पर हम मैरी गोल्ड का यूज करेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम गैस को ऑन करते हैं और मिल्क को बॉयल करते हैं. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दूध को रख दिया है, इसे हमें बॉयल करना है. जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी. तो जैसा कि आप लोगों को पता है समर का सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आप लोगों के साथ समर डिजर्ट की रेसिपी बनाई जाए जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है. हेलो कविता, हाय, थैंक यू. हेलो कमलदीप कौर जी, तो जैसे ही दूध में बॉयल आने लग जाएगा फिर इसमें हाय नीलू, हाउ आर यू डियर. थैंक यू नीलू. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमें अमूल को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, हर घर की शान है अमूल. मॉर्निंग से लेकर शाम तक हम लोग अमूल के प्रोडक्ट यूज करते हैं. अमूल का चॉकलेट ले लीजिए, अमूल का मिल्क ले लीजिए, बटर मिल्क ले लीजिए, अमूल कूल ले लीजिए, लस्सी ले लीजिए, कुछ भी, सारी चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं. अब तो अमूल ने अपने ब्रांड में दाल और राइस का भी यूज करना शुरू प्रोडक्ट लॉन्च किया है. जैसे कि ये देखिए हमारे पास भी है अमूल की दाल, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ऑर्गेनिक है. तो आप लोग भी जरूर यूज करें. थैंक यू सो मच नीलू. जैसे ही दूध में एक उबाल आ जाएगा हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे. बहुत ही सिंपल सी डिजर्ट की रेसिपी है बट खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है. तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी.
इस डिजर्ट को आप बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में, और जब कोई भी गेस्ट आए या जब भी कुछ चिल्ड खाने का, मीठा डिजर्ट खाने का मन हो, आप इसे निकाल कर ठंडा ठंडा इंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड इसी तरह लाइफ में ज्वाइन रहिए, हमें भी अच्छा लगता है। जितने ज्यादा लोग ज्वाइन होते हैं उतना हमें आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने में अच्छा लगता है। तो प्लीज फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइफ में जुड़े और हमें मोटिवेट करें। इसके लिए हमें एक मोटी तली वाली कढ़ाई ही लेनी है, नहीं तो नीचे से ये थोड़ा सा लग सकता है। इसलिए जब भी आप इस डिजर्ट को बनाएं तो ऐसी पैन का यूज करें जो थोड़ी सी तली में भारी हो, जिससे कि हमारा मिल्क ना ही चिपकेगा और ना ही नीचे जलेगा। तो ये देखिए, दूध हमारा अच्छे से बॉयल होने लग गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। तो यहाँ पर हमने हाफ कप शुगर ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसे चलाते हुए हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक चीनी अच्छे से दूध के साथ मिक्स हो रही, तब तक हम कस्टर्ड पाउडर को भी घोल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर लिया, और 1/3 कप हमने यहाँ पर मिल्क लिया है। पहले पहले इसे हम डालकर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो कस्टर्ड को इस तरह अच्छे से हमने वहां पर 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर कस्टर्ड वनीला फ्लेवर के लिया था। वनीला फ्लेवर का टेस्ट बहुत अच्छा था, और इसमें हमने 1/4 कप के अराउंड हमने मिल्क ऐड किया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसे एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स भी पड़ सकते हैं। हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालकर इसे मिक्स करते जाएंगे, इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें मिक्स करना है। अगर हम इसे एक साथ ऐड कर देंगे तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं, इसलिए इसे हमें थोड़ा थोड़ा डालकर ही ऐड करना है।
इस तरह हमें कस्टर्ड पाउडर को ऐड कर देना है। अब इसे हमें कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक करना है, जिससे ये थोड़ा सा ठीक हो जाए। इसे हमें चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही इजी भी है, बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए हल्का हल्का सा ये गाढ़ा भी होने लग गया है। हमें इसे 3 से 4 मिनट पकाना है, या तब तक पकाना जब तक कि कस्टर्ड अच्छे से पक नहीं जाता, इसका कच्चापन नहीं खत्म हो जाता। तब तक हमें इसे दूध के साथ अच्छे से 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। ये जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे वैसे गाढ़ा होने लग जाएगा। जैसा कि इस समय समर सीजन चल रहा है तो बहुत ही अच्छे मार्केट में आम आ रहे हैं, तो इसमें आज मैं मैंगो का भी यूज करूंगी। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी डिजर्ट, मैंगो क्रीमी पुडिंग बनाऊंगी। आज मैं मैंगो कस्टर्ड पुडिंग, और आज इसमें मैं बिस्किट का यूज करूंगी, इसमें रस का यूज नहीं करूंगी। आज मैं मैरी गोल्ड बिस्किट से बनाऊंगी। आप चाहो तो इस बिस्किट की जगह आप पार्ले जी या नाइस कोई भी अपने फेवरेट बिस्किट का यूज कर सकते हो, एज योर चॉइस। बस इसे हमें 1 से 2 मिनट और पकाना है। फिर इसे हमें एक बाउल में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। इसे ठंडा होना बहुत जरूरी है। जब ठंडा हो जाएगा तभी हम इसमें मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे। गरम गरम कस्टर्ड में बिल्कुल कोई भी चीज नहीं हम मिक्स करेंगे।
कस्टर्ड हमारा लगभग बनकर रेडी हो चुका है। बस इसे 1 मिनट और हम पकाएंगे। तो बस हमें इतना ही इसे पकाना है, इससे गाढ़ा हमें नहीं पकाना है क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसे हम ठंडा करके रूम टेम्परेचर का कर लेंगे, फिर इसमें हम सारी चीजें मिक्स करेंगे। जब तक कस्टर्ड हमारा ठंडा हो रहा है, हम इसमें ट्रे में बिस्किट को असेंबल कर लेते हैं। हमने यहाँ पर मैरी गोल्ड बिस्किट लिया है, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। और इस तरह हमें रूम टेम्परेचर के मिल्क में इसे इस तरह डिप करके लगाना है। हमने इसमें शुगर का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर का मिल्क है। आप चाहो तो इसकी जगह रस्क का भी यूज कर सकते हो या अपने चॉइस के बिस्किट आप ले सकते हो। बस इसे हमें इस तरह नॉर्मल दूध में डिप करना है। इस तरह से हमें इस तरह से असेंबल कर लेना है। आप चाहो तो एक ही लेयर में बना सकते हो, बस हम यहाँ पर इसे डबल लेयर में लगाकर फिर इसके ऊपर हम क्रीम ऐड करेंगे। आप चाहो तो केक के ऊपर भी ऐसी ही लेयर बनाकर केक को भी रेडी कर सकते हो। बस हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मिल्क लेना है, इसमें शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। और इस तरह से इसे हम इसी तरह छोड़ देते हैं। फिर हमारा थोड़ा सा कस्टर्ड ठंडा हो जाए, फिर हम उसमें क्रीम मिलाकर फिर इसके ऊपर लेयर लगाएंगे। थोड़ा सा कस्टर्ड ठंडा हो जाए, फिर हम इसपे कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स, एक बार आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको भी पसंद आएगा और आपकी फैमिली और आपके बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करिएगा और कमेंट में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।
आप इस रेसिपी को घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट से ही बना सकते हैं, आपको मार्केट से ज़्यादा कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। कस्टर्ड हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे मैंगो प्यूरी। ये हमने यहाँ पर दो आम लिया था जिसे हमें छील लेना और छील कर इसको ऐसे ही ग्राइंड कर लेना है। इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है कस्टर्ड के साथ। इस तरह से मैं अच्छे से मैंगो को इसके साथ मिक्स कर लेना है। अब आप चाहो तो इसे ऐसे ही डाल सकते हो, बस इसे हमें और क्रीमी बनाने के लिए इसमें हम व्हिप्ड क्रीम का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर लगभग 1 कप के राउंड व्हिप्ड क्रीम लिया था जिसे अच्छे से व्हिप्ड कर लिया है। अगर आप ना डालना चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या इसकी जगह आप फ्रेश मलाई का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीजों के साथ है। सारी चीजों के साथ हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और ये एक्स्ट्रा चीजी क्रीमी सा हमारा कस्टर्ड बनकर रेडी हो जाएगा।
इसे इस तरह से अच्छे से हमें सारी चीजों के साथ मिक्स करना है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं चीज इसे तो आप व्हिप्ड क्रीम को स्किप कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसकी जगह अगर फ्रेश मलाई यूज करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसे सारी चीजों के साथ पहले हमें मिक्स कर लेना, फिर इसके ऊपर हम इसे ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर हम इसे ऐड कर देंगे। इस तरह से अच्छे से हमें ला लेना। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और एक लेयर और लगा देंगे। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसी तरह से हम डिप टप करके सारे बिस्किट हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर हम फिर से डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स इस तरह से। और हम इसे थोड़े से मैंगो पीसेस से भी गार्निश कर देंगे। और हम थोड़ी सी चेरी भी इस पे चेरी से इसे गार्निश कर देंगे। फिर इसे हमें रख देना है कम से कम 2 घंटे के लिए, हम इसे फ्रिज में रख देंगे जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। फिर आप इसे नाइफ से या स्पून से कट करके निकाल कर प्लेट में चिर चिर सर्व करके खा सकते हैं।
लीजिए, देखिए हमारा क्रीमी मैंगो कस्टर्ड डिजर्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे रख देंगे चिल्ड होने के लिए और सेट होने के लिए फ्रिज में, और जैसे ही 1 से 2 घंटे तक इसे हम फ्रिज में रख देंगे, सेट हो जाएगा। फिर आप इसे ठंडा ठंडा इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई लाइव। थैंक यू सो मच अमोल टीम।